महाराष्ट्र की हर पहाड़ी बुद्धमय है। महाराष्ट्र में शायद ही कोई पहाड़ या पहाड़ी बचे हो जिस पर बुद्ध गुफाएं न हो, और इस मामले में महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत है। महाराष्ट्र की जंजीरा पहाड़ियों में अरब सागर के सामने कूड़ा में कुल 26 बौद्ध गुफाएं हैं, 21 बौद्ध विहार है, 4 चैत्य हैं और 1 बौद्ध मंडप है। गुफाओं में बौद्ध छवियां हैं, धम्म चक्र है, पद्म है, नाग है, स्तूप है तथा आसपास भिक्षुओं के पानी पीने के लिए जलकुंड बने हुए हैं। दीवारों और खंभों पर शिलालेख हैं। शिलालेख पर अनेक दानदाताओं के नाम लिखे गए हैं। दानदाताओं के कारण से पता चलता है कि बुद्धिज्म के विकास में सिर्फ राजा और रानियों का योगदान नहीं था, बुद्धिज्म के विकास में समाज के हर तबके के लोग योगदान दिए थे, तब बुद्धिज्म इतना आगे फला फूला और बढ़ा। जैसा कि जगह जगह इसके सबूत मिलते हैं कि चाहे वह लुहार हो, कुहार हो, लेखक हो या जो भी जिस भी वर्ग का आदमी था, वह हर कोई बुद्धमय था और चाहता था कि बुद्ध धम्म पूरे विश्व में यह विरासत को दिया जाए, फैलाया जाए। कूड़ा बौद्ध गुफाओं के दानदाताओं में राजा, रईसों, मंत्री से लेकर लोहे का सौदागर, बागवान, फूल विक्रेता, बैंकर, चिकित्सक, लेखक, बहुत सारे लोग शामिल थे। मतलब आप ये समझिए कि समाज का हर तबका बुद्ध से प्रेम करता था, बुद्धिज्म से प्रेम करता था और हर कोई के पास जितना सामर्थ्य था वह सामर्थ्य बुद्धिज्म के विकास में, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में, बौद्ध भिक्षुओं के सुविधा के लिए, उसके निर्माण के लिए, जितने भी बौद्ध गुफाएं थीं, जितने भी शिलालेख थे, जितने भी चैत्य थे, जितने भी विहार थे, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हर कोई अपना सहयोग देता था। यही कारण था कि भारत का हर गांव और भारत का हर कोना कोना, हर क्षेत्र बुद्धमय हो गया था। यह किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी कि किसी से जबरन कोई करवा के और किसी देश को इस तरीके से बना डाले। यह भारत के हर छोटे बड़े हर तबके के लोग चाहते थे कि भारत पूरी तरीके से बुद्धमय हो और भारत के बाहर भी बुद्धमय की यह शिक्षा, बुद्धमय का ये ज्ञान, बुद्ध का ये ज्ञान, बुद्ध की ये शिक्षाएं फैले, जिससे विश्व में शांति आए और पूरा विश्व चैन और सुकून के साथ जी सके। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अन्य मित्रों में शेयर जरूर करिए, जिससे सबको भारत की सच्चाई पता चल सके कि एक्चुअल में भारत पहले क्या था, कैसा था और बाद में इतिहासकारों ने पूरी तरीके से तोड़ के, मरोड़ के और पूरा का पूरा इतिहास ही सत्यानाश कर डाला। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी छोटी सी एक मदद होगी और मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहूंगा। नमो बुद्धाय।